हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि न्यायिक प्रणाली सरकार की स्वतंत्र शाखा के रूप में कैसे काम करती है और समाज के बेहतर कामकाज के लिए न्यायिक प्रणाली को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। न्यायालय न्याय का स्थान है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है या किसी व्यक्ति से उन्हें खतरा है तो कोई भी न्यायालय जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में न्यायालयों को कैसे डिवाइड यानी कि विभाजित किया जाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में एक है और इसकी न्यायिक प्रणाली है अलग अलग स्तरों पर अदालतों की संरचना की वजह से ये मजबूत है। ये प्रणाली अलग अलग रूपों में न्यायपालिका से जुड़े बड़ी संख्या में न्यायिक पेशेवरों को आजीविका प्रदान करती है। ये राष्ट्र की सेवा बड़ी सेवा करती है। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में केवल एक ही अदालत पूरी आबादी को न्याय नहीं दे सकती है। अलग अलग तरह के मामलों को सुलझाने के लिए अलग अलग स्तरों पर अदालत यानी कि कोर्ट की जरूरत होती है। बच्चों, क्या आप मुझे न्यायालय के निचले स्तर के बारे में बता सकते हैं? अगर हाँ तो आपका उत्तर सही है। यदि आपने तहसील या जिला न्यायालय कहा है तो जिला न्यायालयों की मूल संरचना राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों की सावधानी पर निर्भर करती है। इन न्यायालयों की संरचना मुख्य रूप से मामलों की संख्या, जनसंख्या के वितरण जैसे कारकों पर निर्भर करती है। राज्य सरकार जिला अदालत के विषय में एक जिले या कई जिलों को मिलाकर जिला अदालत बनाने पर निर्णय लेती है। ये अदालतें केवल जिला स्तर पर शक्तियों का प्रयोग करती हैं। इन अदालतों में राज्य सरकार के नामित जिला न्यायाधीश न्याय कामकाज संभालते हैं। इनके पास अतिरिक्त सहायक जिला न्यायाधीश भी काम करते हैं जो अतिरिक्त काम संभालने में मदद करते हैं। जिला न्यायाधीशों के रूप में उनका हर शहर के अधिकार क्षेत्र पर समान राइट होता है। इस तरह से अलग अलग स्तर पर स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है जो निष्पक्ष न्याय प्रदान करने और कार्यों को कुशलतापूर्वक करेगी। न्यायपालिका तभी बेहतर प्रदर्शन करती है जब वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की तुलना में स्वतंत्र रूप से काम करे। जिला न्यायाधीश के पास सहायक जिला न्यायाधीशों का अधिकार क्षेत्र होता है। जिला न्यायाधीश इसी जिले में सर्वोच्च न्यायाधीश होता है और वो जिले में न्याय व्यवस्था के विकास के लिए आवंटित राज्य निधियों का प्रबंधन करता है। इसके अलावा गाँव की भी अपनी अदालतें होती हैं जिन्हें हम लोक अदालत के नाम से जानते हैं। इससे पता चलता है कि न्याय व्यवस्था का विस्तार गांव तक भी कर दिया गया है। इनकी स्थापना निचले स्तर पर विवादों को सुलझाने के लिए की जाती है। उनके पास दीवानी यानी कि सिविल और फौजदारी यानी कि क्राइम जैसे केसेस यानी मामलों की जिम्मेदारियां होती हैं। ये ग्राम न्यायालय अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची के आपराधिक मामलों और दीवानी मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। वे पक्षों के बीच शांति स्थापित करके विवादों को सुलझाते हैं। भारत में वर्तमान में 351 जिला अदालतें हैं। इनमें से 342 जिला अदालतें राज्यों में हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। अगर ये मामले को हल नहीं कर पाती हैं तो जिला न्यायालयों के मामले उच्च न्यायालय में भेज दिए जाते हैं या चले जाते हैं जो उनसे ऊपर होते हैं। हर राज्य में उच्च न्यायालय होता है यानी कि एक हाई कोर्ट होता है जो किसी विशेष राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। देश में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। यदि कोई मामला उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में हल नहीं हो सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सर्वोच्च अदालत का किसी भी मामले में अंतिम अधिकार होता है। इस प्रकार न्याय की शक्ति अलग अलग स्तरों में डिवाइड की गई है क्योंकि इतने विशाल यानी इतने बड़े देश में लोगों के इतने सारे विवादों को मुकदमों का सुलझाना एक कोर्ट से पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे देश में ग्राम न्यायालयों की स्थिति और कार्यप्रणाली कैसी है? इस वीडियो में हमने जाना कि भारत में निचले स्तर की अदालतें जैसे कि तहसील, ग्राम न्यायालय कैसे काम करती हैं, वे किस प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अगले वीडियो में हम भारत के उच्च न्यायालयों के कामकाज के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और खुश रहिए।